नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। चीन सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे खाने का सामान और अपनी रोजमर्रा की जरूरतों का सामान स्टॉक करके रख लें। सरकार ने सर्दियों में इस सामान की कमी और कीमतों में उछाल आने की संभावना जताते हुए कहा। दरअसल चीन में पिछले दिनों बारिश और तूफान ने काफी तबाही मचाई थी, जिस कारण कई हजार हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई थी। इस वजह से खाने पीने की चीजों में कमी हो सकती है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि करीब एक महीने चले सफाई और जगह को खाली करने की अभियान के तहत कबाड़ बेचने से केंद्र सरकार को 40 करोड़ रुपए मिले हैं और करीब 8 लाख वर्ग फुट जगह भी खाली हुई है। देश के 3 प्रमुख केंद्रीय संस्थानों ने कोरोना संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों को संग्रहित करने वाली वेबसाइट को उन्नत बनाने और महामारी का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं के लाभ के लिए एक मानकीकृत प्रारूप प्रदान करने के लिए एक निजी प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। केंद्र सरकार ने 8 नवंबर से सभी स्तर के कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजिरी बहाल करने का निर्देश दिया है, जहां कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि विभाग प्रमुख बायोमेट्रिक मशीन के पास सैनिटाइजर रखें और हाजिरी के बाद हाथ को सैनिटाइज करें जरूर। सरकार ने ईमानदार बैंक कर्मियों को मानसिक प्रताड़ना और अन्य दिक्कतों से बचाने के लिए स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क यानी कर्मचारी उत्तरदायित्व ढांचा पेश किया है। इसके तहत वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बैंक कर्मियों द्वारा सही उद्देश्य और तरीके के लिए दिए गए 50 करोड़ रुपए तक के कर्ज के फैसले अगर गलत भी हो जाते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आयकर विभाग ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज कर लिया है। मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित निर्मल टावर सहित 5 संपत्तियों को आईटी विभाग ने कुर्क किया, जहां पिछले महीने आईटी विभाग ने पवार की बहनों के घरों और कंपनियों पर छापेमारी की थी। बीते कुछ समय से भारतीय लड़कियां दुनिया भर में हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान गढ़ रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों के मुकाबले भारत में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में लड़कियां शानदार प्रदर्शन कर रही है। दुनिया में जानलेवा स्तर पर पहुंचा वायु प्रदर्शन, जिसे लेकर भारत में भी खतरनाक स्तर तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। झारखंड कंबाइंड सिविल सेवा प्रीलिम्स एग्जाम रिजल्ट घोषित हो गया है, जहां 4300 से अधिक स्टूडेंट सफल हुए हैं। गुरुद्वा एरो स्पेस कृषि के क्षेत्र में 1000 ड्रोन निर्माण करने जा रही है, जिसकी लॉन्चिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जा सकती है। ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। ईडी ने अनिल देशमुख को जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कल ही गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नवचयनित सहायक अभियंताओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरित किया। बिहार के उपचुनाव में दोनों सीटों पर सत्ताधारी जदयू के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, जहां आरजेडी ने धांधली का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा ने सस्ती बिजली के वादे पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को घेरा और कहा कि ये वादे घोषणाएं पंजाब की जनता को बरगलाने के लिए है। उन्होंने पंजाब की जनता को चेताया कि अगर चुनाव में कांग्रेस दोबारा आती है तो 2022 के बाद बिजली की दरें और महंगी होगी। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी व नवजोत सिंह सिद्धू केदारनाथ के लिए रवाना हुए, जहां वह उत्तराखंड में हरीश रावत से भी मुलाकात करेंगे। झारखंड के जमशेदपुर कदमा मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है, जहां मूर्तियों में लगी सोने की आंख को चोर ले उड़े। वहीं पुलिस जांच की बात कह रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अक्टूबर के पहले सप्ताह की तुलना में कोरोना संक्रमितों की संख्या दोगुनी हो गई है, जिसकी वजह से जहां पॉजिटिव दर पहले 0.09% थी, वहीं अब 0.27% पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के खंडवा लोकसभा उपचुनाव में मतगणना जारी है, लेकिन बीजेपी की जीत निश्चित हो गई है। हिमाचल प्रदेश उपचुनाव में मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी भाजपा के सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर को 8766 मतों से हरा दिया है।
लद्दाख में अब माइनस तापमान में भी नहीं जमेगा नल का पानी, पूरे साल होगी पानी की सप्लाई, विभाग ने जारी किया नोट। पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने बड़े अंतरों से चारों सीटों पर जीत दर्ज की है। उड़ीसा में कोरोना संक्रमण के 317 नए मामले सामने आए, जहां 44 मरीजों की उम्र 18 साल से कम है। गुजरात के बड़ोदरा स्थित हरनी के टिम्बर मार्केट की दो फैक्ट्रियों में भयंकर आग लग गई, जिसे दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत कर बुझाया है। बताया जा रहा है कि यह आग पटाखों में विस्फोट की वजह से लगी थी। राजस्थान के धरियावद और बल्लभगढ़ विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है, वहीं एक सीट पर भाजपा की जमानत भी जब्त हुई। सर्दी में स्किन ड्राई हो जाती है तो नारियल तेल से मसाज करें, इससे स्किन के ड्राइनेस की समस्या दूर होती है और स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने डिप्टी मैनेजर टेक्निकल के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट nhai.gov.in के माध्यम से 29 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इंग्लैंड की टीम के प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने इयोन मॉर्गन की तारीफ की। दिनेश ने इयोन मॉर्गन को इंग्लैंड की टीम का MS धोनी करार दिया। आज अभिनेता शाहरुख खान का जन्मदिन है, इस खास अवसर पर फैंस उन्हें बधाइयां दे रहे हैं, साथ ही उनके घर मन्नत के आगे फैंस की भीड़ लगी हुई है। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।